ये आज आप लोग का कांग्रेस का तरफ से लिस्ट निकला गया फर्स्ट प्लेस में, तो यहाँ पे बहुत सारा लिस्ट में नाम दिया गया, लेकिन इसमें लोग यह है कि पब्लिक के लोग जो सगाली 15 सगाली के लोग ये जानना चाहते हैं, नाउन तुकी का उसमें लिस्ट नहीं है, उसका नाम नहीं 15 सगाली से, क्या सर आप क्या 15 सगाली से आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे सर? ना अभी वो कॉन्टेस्ट करना नहीं करना तो AICC डिसाइड करेगा, क्योंकि वो लोग लोकसभा में भी लड़ने के लिए बोला है AICC, और विधानसभा में लड़ना है ना नहीं लड़ना वो लोग निर्णय लेंगे। अभी लिस्ट तो अभी लोकसभा का भी फाइनल अभी लिस्ट नहीं आया है और विधानसभा का भी नहीं आया है सगाली का, बाकी सबका आ गया है, कुछ सीट अभी भी पेंडिंग है, वो शायद सेकंड लिस्ट में आएगा होगा, और इसमें जो भी AICC डिसाइड करेगा आप मानेंगे। क्योंकि सर आज देखा जाए तो अभी आप कुछ BJP के वर्कर जो कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं सगाली में, आपकी लीडरशिप में ज्वाइन हुआ है, क्योंकि वहाँ के जितना भी जो आपका जो कांग्रेस वर्कर लोग हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि नाम तो की क्यों कंटेस्ट नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो क्यों अनाउंस नहीं कर रहा है, ये वेटिंग है। और बहुत सारा लोग कल भी आया था यहाँ पे आपका मुंह से सुनने के लिए कि आपका कैंडिडेट डीलर क्यों नहीं कर रहा है, और जो ज्वाइन किया गया है उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि गाँव वाला भी रुक रहा है आपके लिए। मैं 3-4 महीना पहले मैं अनाउंस किया था कि विधानसभा में लड़ेंगे बोल के, और मीटिंग भी हो गया है सगाली में, मीटिंग किया, मेंग्यो में मीटिंग हुआ, तरू में मीटिंग हुआ, पारंग सर्कल में मीटिंग हुआ, अभी लेपुरंग और सिलसंगो सर्कल में बाकी था जो मीटिंग करने के लिए, जितना मीटिंग करना तो हम कर चुका था, और उसमें मैं सीरियसली लड़ा है, चुनाव लड़ने के लिए लड़ा है, ज्वाइनिंग विनिंग भी कराया है, और बहुत लोग सपोर्ट भी मिला हुआ है, लेकिन अभी हाई कमान ने कहा कि आप एक में लड़ो, दो में मत लड़ो, और वो ये पब्लिक चाहता है कि दोनों लड़े, विधानसभा में लड़े या लोकसभा को ना लड़े, ये हमारा सगाली का वर्कर या सगाली का लोग चाहते हैं कि वो हमेशा सगाली में देखना चाहते हैं, तो अभी हम एक दो दिन में निर्णय ले लेंगे कि दोनों में लड़ेगा या अकेला में लड़ेगा, वो निर्णय हम लेंगे। तो सर अभी जैसे कि कुछ कुछ वर्कर जो सगाली में जो है कांग्रेस के वर्कर, उन लोगों का ये कहना है कि अभी तक जो नाम तो की सर जो है बात को लेके, मतलब बहुत लोग ज्वाइन भी किया है आपके ऊपर में, क्योंकि BJP के वर्कर लोग लेके, तो अभी तक जो क्यों समय मालूम है ना भाई, बहुत लोग ज्वाइन किया और बहुत लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अभी भी, और बहुत लोग को बातचीत करके भी रखा हुआ है, ज्वाइनिंग तो बहुत लोगों का, हम चाहते हैं कि ज्वाइनिंग आना और जाना तो होते रहेगा, लेकिन जो निर्णय लेना है आम जनता का हित के लिए, देश का हित के लिए और अरुणाचल का हित के लिए निर्णय लेना है, वो निर्णय ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में हाई कमान लेते हैं, तो AICC जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। कुछ लोगों का ये भी ये है कि एक अफवाह भी फैला हुआ है कि अनाउन तो की अगर MLA कंटेस्ट नहीं करता है तो जितने भी जो BJP के जो वोटर्स हैं, जो कंटेस्ट है वहाँ के जितने भी जो वोट है MP के वोट, वो आपको नहीं, कितना था सच ये? नहीं, वो हमने डिस्कस नहीं किया है उसका बारे में अभी, वो तो इमेच्योर होगा अभी ये अभी बात करना वो गलत हो जाएगा, अभी वो निर्णय नहीं लिया है, अभी मेरा MP का लिस्ट भी नहीं आया, MLA का लिस्ट भी नहीं आया, दोनों या पेंडिंग है, तो आने के बाद में हम फिर आपसे बात करेंगे। उसमें 19 में देखा जाए तो नागुम अध्यक्ष तक उन्होंने भी टिकट मांगा था, तो अगर उनको टिकट दिया जाता है तो मतलब आप नहीं करेंगे, तो सच है? नहीं, वो टिकट अप्लाई किया है लेकिन लेट में किया है, इसलिए वो जो यहाँ PEC से नाम नहीं किया, अभी जो लिस्ट जो क्लियर होके आने वाला है ये प्रदेश इलेक्शन कमेटी में जो फाइनल किया वाला, उसका रिकमेंडेशन का बेसिस में वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसका क्लियर किया, उसका लिस्ट आ गया, बाकी जो इंडिविजुअल जो अप्लाई करने वाला और लोग भी है उसका अभी लिस्ट नहीं आया है, उसका निर्णय शायद वो सेकेंड पेज में करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।